ये क्या कर रहा तूने? मैम साहब आप देखना मैं क्या करता हूँ आपके साथ। साहब अब देखती रहो तुम क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। साहब 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 देखिए ना मैम साहब मेरे से जबरदस्ती कर रही है। सर जी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या बकवास कर रहे हैं? सच बता क्या बात है? मैम साहब आप मुझ पे चिल्लाइए मत, आपको ऐसा लगता है ना कि आपके चिल्लाने से मैं झूठ बोलूंगा, मैं सच ही बोलूंगा। और साहब आप खुद ही देख लीजिए मैडम की लिपस्टिक का निशान ना मेरे गाल पे लगा हुआ है और मैडम की लिपस्टिक भी फैली हुई है। सर्जेश ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। ये जो उसके गालों पे लिपस्टिक का निशान लगा हुआ है ना इसने खुद लगाया है और इसने मेरी लिपस्टिक भी इसने फैलाई है। देख सच से बता दे तो क्यों झूठ बोल रहा है? मैम साहब आप ये सब क्या बोल रही हैं? और साहब आप ही बताइए मैं झूठ क्यों बोलूंगा, आपको तो सब कुछ दिख ही रहा है ना। देखो दीप अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारा ये लिपस्टिक का निशान फैला हुआ कैसा है और यही लिपस्टिक का निशान इसके गाल पे कैसा आया? सर जी तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, ये सब इसने खुद किया है और तुम्हें मेरे पर ट्रस्ट नहीं है क्या? और साहब मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है, जब आप ऑफिस चले जाते ना तो मैम साहब मुझे फोन करके अपने घर पे बुलाती हैं कि साहब जा चुके हैं तुम आ जाओ और मेरे साथ सो जाओ। और साहब आज तो मैम साहब ने हद ही कर दी, आपके घर में रहते हुए उन्होंने मेरे साथ ये घिनौनी हरकत करी है। और मैम साहब आपको मुझे नौकरी से ही निकालना था तो मुझे बता देते, मैं खुद ही नौकरी छोड़ देता, आपको मेरे साथ ये घिनौनी हरकत करने की क्या जरूरत थी? अरे तू कितना घटिया इंसान है, कुछ भी बोले जा रहा है। रुक तुझे तो मैं बताती हूँ। बस दीप बहुत हो गया तुम्हारा, और मुझे अच्छे से बताए किसके साथ क्या करना है। मैंने सोचा था कि तुम मेरी इज्जत को ना अपनी इज्जत समझोगी, और मुझे ना अब अच्छे से पता है कि किसको निकालना है और किसको नहीं। तो रामू इस घर से ना अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। लेकिन साहब मैं क्यों निकलूं, मैंने तो कोई गलती भी नहीं करी है। बस कर मेरे साथ ना ज्यादा चलाकी मत कर, और जब तुम सुबह चाटा मार के गई थी ना। हाँ माँ मैं एकदम ठीक हूँ। गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है? नहीं मैडम मैं अपनी माँ से बात कर रहा था। चाहे माँ से बात कर रहा है या फिर गर्लफ्रेंड से, तुझे घर के अंदर काम नहीं दिख रहा है क्या? तू सारा काम छोड़ के फोन पे लगा पड़ा है, तुझे कितनी बार बोला है कि घर का काम कर लिया कर, पहले 24 घंटे फोन में घुसा रहता है, ये काम कौन करेगा घर का? देख जाके रसोई के अंदर कितने गंदे बर्तन पड़े हैं, ये सब कब करेगा? मैडम आप मुझे बस 10 मिनट दे दीजिए, मैं सारा काम कर दूंगा, सारे बर्तन साफ कर दूंगा। तू ना एक नंबर का काम चोर हो गया। रुक तुझे तो मैं बताती हूँ, तुझे मैंने इतनी बार बोला है कि मेरा कहा ना मत टाला कर, तुझे मेरी एक बार में बात समझ भी नहीं आती? चुपचाप जाके ना अपना काम कर और ये फोन छोड़ दे, वरना तेरी ना नौकरी खा जाऊंगी मैं। ठीक है मैडम मैं भी कर देता हूँ। काम छोड़ निकम्मा कहेगा। हाँ माँ। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा मैं करता हूँ आपसे थोड़ी देर में बात। आज मैम साहब ने मेरे ऊपर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया, मैं अपनी माँ से बात कर रहा था और आज बात मेरे मान सम्मान पे आई है, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। शुक्र मनाओ कि आज मैं घर पे था और मैंने ना इसकी सारी बातें सुन ली थी, वरना ये सब देख के तो ना मुझे यही लगता कि तुम्हारा ना इसका चक्कर चल रहा है। और रामू जो तू ना गिरी हुई हरकत करी है ना इसके लिए ना मैं तुझे माफ तो नहीं करूंगा, तो इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से ना अपना सामान बांध और निकल जा, वरना मैं भी पुलिस को बुला लूंगा, समझ में आया? साहब इस बार मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। वो उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं अपनी माँ से बात कर रहा था और पीछे से आके मैडम ने मुझे चाटा मार दिया और ये बात मुझ पर सहन नहीं हुई और गुस्से में आके मैंने ये सब किया। रामू मैं मानता हूँ कि दीपिका ने तुझे सुबह चाटा मार के गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू उसकी इज्जत के साथ खेलेगा। और दीप तुम्हें भी ना इसे चाटा नहीं मारना चाहिए था, वो अपनी माँ से बात कर रहा था, क्या पता कुछ जरूरी बात हो, तुम्हें ऐसा इसके साथ नहीं करना चाहिए था। लेकिन रामू तुझे ना इतनी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी, तू जरा खुश सोच, अगर ये बात तेरी माँ को पता चलेगी तो उनके सामने तेरी इज्जत क्या रह जाएगी? देख तूने गलती तो करी है, मैं तुझे घर में नहीं रख सकता, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि चुपचाप ना अपना सामान उठा और जा, तेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं पुलिस को नहीं बुला रहा। साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे को नौकरी से मत निकालिए, मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे तो मैं अपनी माँ का इलाज कैसे करवाऊँगा? सरजेश कोई बात नहीं, गलती तो इसने करी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने अपनी गलती मान ली और हम इसे एक मौका तो दे ही सकते हैं ना, कि हमारे घर में इतने सालों से काम कर रहे हैं,
आज तक इसने कभी भी हमें शिकायत का मौका नहीं दिया, तो इसीलिए इसको एक मौका दे दो। और रामू, गलती मेरी थी इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर आइंदा से अगर तुमने गलती दोबारा करी ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, सीधा पुलिस से तुम्हें पकड़वा दूंगी, समझे तुम? मैम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, अब जाओ।